हाय एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करेंगे मिलियन माइंड्स इंग्लिश से। सो देखते हैं हमारी तैयारी कैसी चल रही है। सो आप भी क्वेश्चन के आंसर नोट करते जाइए और अपना आंसर जो है देखते जाइए कि कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज पर्पल पैसेज मीन्स ए सडन हाइटनिंग ऑफ स्टाइल विच मेक्स अ सेक्शन ऑफ वर्क स्टैंड आउट अमंग द रेस्ट। बी इज अ सडन फॉल इन स्टाइल विच रिवर्स द टोन ऑफ ऑल द फोरगोन पैसेजेज। सी इज अ पैसेज रिटन इन ग्रैंड एंड हाइटेंड स्टाइल एंड ट्रीटिंग अ रिडिक्यूलस थीम फॉर कॉमिक इफेक्ट। एंड डी इज अ पैसेज एक्सप्रेसिंग अ डेलिकेट एंड एमोरस थीम और इमोशन क्रिएटिंग एन इमोशनल इफेक्ट ऑन द रीडर। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 1 ए आंसर अ सडन हाइटनिंग ऑफ स्टाइल विच मेक्स अ सेक्शन ऑफ वर्क स्टैंड आउट अमंग द रेस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज हु इज द पुलिस इंस्पेक्टर इन सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स में पुलिस इंस्पेक्टर कौन था? सो जो कॉक्सन था वो तो क्लर्क था, सीनियर क्लर्क। वॉल्टर हाउ था, वो उसका बेटा था डायरेक्टर का। एंड द स्नो इज द करेक्ट आंसर। स्नो पुलिस इंस्पेक्टर था। देन क्वेश्चन नंबर 3 वेलविन इज एन आर्टिस्ट इन द प्ले। अब वेलविन जो आर्टिस्ट था वो कौन से प्ले में था? द करेक्ट आंसर इज द पिजन। देन 4th सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ एंटोनिम्स एब्सर्ड इनएडिक्वेट बी डल डेस्पेयर सी डीप होलो एंड डी एस्टेबलाइज का डेमोलिस। सो द करेक्ट आंसर इज डी। एस्टेबलाइज होता है किसी चीज को स्थापित करना और डेमोलिस होता है किसी चीज को नष्ट कर देना। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5th इज चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ इलिसिट। इलिसिट का एंटोनिम बताना है हमें। सो ए इज स्लेवरी बी लीगल सी डिपेंडेंट एंड डी बॉन्डेज। सो द करेक्ट आंसर इज लीगल। इलीगल इलिसिट का मीन्स होता है इलीगल और इसका एंटोनिम हुआ लीगल। देन 6th इज द ऑपोजिट ऑफ सुपरसीलियस इज स्नोबिस मीक एंड हम्बल एरोगेंट और सुपरफिशियल। सो द करेक्ट आंसर इज बी मीक एंड हम्बल। क्वेश्चन नंबर 7 इज वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल इन द पोम दैट इज ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी द प्रेल्यूड ओड टू ड्यूटी और एक्लेसियास्टिकल स्केचेस। सो द करेक्ट आंसर इज ए ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। क्वेश्चन नंबर 8 आवर माइरेड माइंडेड शेक्सपियर इज द सेड अबाउट शेक्सपियर बाय। सो ये लाइन किसने बोली थी? आवर माइरेड माइंडेड शेक्सपियर। सो इट वॉज सेड बाय एस्टी कॉलरेज। देन क्वेश्चन नंबर 9 इज दैट वन मे स्माइल एंड बी अ विलेन वेयर डज दिस लाइन अपीयर। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? दैट वन मे स्माइल एंड बी अ विलेन। सो द करेक्ट आंसर इज सी हैमलेट। देन क्वेश्चन नंबर 10 चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सो इस पे पहले ही टिक लगा हुआ है, दैट इज करेक्ट। सिमेट्रिकल। देन क्वेश्चन नंबर 11 चेंज द नरेशन। सी आस्क्ड इज द सेक्रेटरी कमिंग टू द मीटिंग। सो हेयर यू सी सी आस्क्ड, ये हमारे इंटरोगेटिव है।
तो हमें यहाँ पे जो कंजंक्शन यूज होगी हमें इफ़ यूज करना है, इफ़ और वेदर। सो इफ़ हमने लगा दिया यहाँ, देन द सेक्रेटरी इज सब्जेक्ट और एज, एज के प्लेस पे, ये हमारा सेंटेंस, ये जो टेंस है ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, तो इसके प्लेस पे हमें क्या करना होता है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज करना होता है। अब देखिए पास्ट कॉन्टीन्यूअस में कौन सा है, सी आस्क्ड दैट सेक्रेटरी वाज कमिंग टू द मीटिंग, इसमें दैट कंजक्शन नहीं लगता इसलिए ये रॉन्ग है। देन सी आस्क्ड दैट इफ़, ये भी रॉन्ग है क्योंकि दैट और इफ़ दोनों एक साथ नहीं लगते हैं। देन सी आस्क्ड इफ़ द सेक्रेटरी इज कमिंग, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में, हमें पास्ट में चाहिए। हेयर यू सी आस्क्ड इफ़ द सेक्रेटरी वॉज कमिंग टू द मीटिंग, ये हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस में है, तो द करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 12, द कन्विक्ट सैड लेट मी स्पीक फ्रीली, सो द कन्विक्ट सजेस्टेड दैट ही मस्ट बी अलाउड टू स्पीक फ्रीली, देन द कन्विक्ट रिक्वेस्टेड दैट ही मस्ट बी अलाउड टू स्पीक फ्रीली, सो लेट के प्लेस पे मस्ट तो यूज नहीं होता, तो ये ऑप्शन हमारे सही नहीं है। देन सी द कन्विक्ट रिक्वेस्टेड दैट ही बी अलाउड टू स्पीक फ्रीली एंड द कन्विक्ट प्रोपोज्ड दैट ही माइट बी अलाउड टू स्पीक फ्रीली। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसमें सी आंसर इन्होंने सही दिया है, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन में डाउट है, मुझे ये आंसर सही नहीं लग रहा है। इसमें जो लेट वाले हमारे सेंटेंस होते हैं इसमें हम इनडायरेक्ट बनाते हुए प्रोपोज्ड यूज करते हैं या सजेस्टेड यूज करते हैं, तो उस ये प्रोपोज्ड हमारा डी पार्ट में यूज हुआ है, और लेट मी स्पीक फ्रीली तो दैट ही माइट बी अलाउड टू स्पीक फ्रीली, सो मेरे अकॉर्डिंग तो डी आंसर इसका सही है, बाकी आप देख लेना, मैंने आपको दोनों बता दिया है। प्रैक्टिस सेट में सी पार्ट दिया हुआ है और मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर डी है, तो इसको आप एक बार देख लीजिए आपके अकॉर्डिंग कौन सा ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द टर्म यूज टू मीन अ सडन चेंज ऑफ फॉर्च्यून इन अ प्ले और स्टोरी, सो कौन सी टर्म यूज होती है फॉर अ सडन चेंज ऑफ फॉर्च्यून, जो हमारा जो फॉर्च्यून है उसमें जो चेंज होता है स्टोरी में और प्ले में, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरिपेटिया, आई थिंक दैट इज द करेक्ट प्रोनंसिएशन, आप देख लेना आप इसको क्या बोलते हैं। देन 14, यस एंड दैट मीन्स इज भाग्य परिवर्तन, ओके। देन 14, इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट ओरेब रेफर्स टू स्प्रिट सिलोवा माउंट होरेट और अओनियन, इसको कहीं होरेब लिखते हैं कहीं होरेट लिखते हैं, सो द करेक्ट आंसर इज सी। देन 15, फाइंड द मिसमैच ऑफ एजुकेशन 1644, एरोपेगिटिका 1647, देन लिसिडासिज 1637 एंड पैराडाइज लॉस्ट 1667, सो द करेक्ट आंसर इज एरोपेजिटिका, दैट इज 1644, द करेक्ट आंसर इज 1644, ओके। देन 16 क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिवाइस कॉल्ड बाय विच अ राइटर एक्सप्रेसेस ऑलमोस्ट द ऑपोजिट मीनिंग टू व्हाट ही ओस्टेंसिबली एज अपीयर्स टू बी ट्रू स्पीक्स, ऐसी डिवाइस को क्या बोलते हैं, विच राइटर एक्सप्रेसेस ऑलमोस्ट द ऑपोजिट, मीन्स राइटर हमेशा ऑपोजिट बोलता है, वो बोलता कुछ और है और उसका मीनिंग कुछ और होता है, दैट इज कॉल्ड आयरनी। देन 17 क्वेश्चन इज, द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ्स फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम इज, वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम का टाइटल क्या है,
डेस्क्रिप्टिव स्केचेस, पीटर बेल, लूसी ग्रे और रिवर डडन सोनेट। सो द करेक्ट आंसर इज ए, डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। देन 18 क्वेश्चन इज, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सो 18 इज रिसोल्व्ड मीन्स। सो रिसोल्व्ड का मीन्स होता है डिसाइडेड, अचीव्ड, मेजर्ड और डिटरमाइंड। सो द करेक्ट आंसर इज मेजर्ड। देन जर्मेन, सो इसका सिनोनिम होगा रेलिवेंट। देन 20 क्वेश्चन इज, द यूजेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी ऑफिसेस आर एक्सटेंसिव। स्पेसियस, प्रोग्रेसिव, प्लेंटीफुल और वाइड स्प्रेड। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका आपके अकॉर्डिंग। सो एक्सटेंसिव मीन्स हेयर वाइड स्प्रेड। देन 21, द ग्रीक्स बिलीव्ड दैट द हार्ट वॉज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। सो ए स्पॉट, बी चेयर, सी सेंटर एंड डी पर्पज। सो हेयर द सीट मीन्स, द करेक्ट आंसर इज सी सेंटर। 22, द माइंड इज द मोस्ट वर्सेटाइल ऑफ ऑल द ऑर्गन्स इन द बॉडी। सो दिस वर्सेटाइल मीन्स, ए गिफ्टेड, बी एकम्प्लाइज्ड, सी इंजेनियस एंड डी रिसोर्सफुल। सो द करेक्ट आंसर विल बी रिसोर्सफुल। वर्सेटाइल मीन्स रिसोर्सफुल। देन 23, एज अ ड्रामेटिस्ट जॉन गॉल्सवर्थी बिलोंग टू द रोमांटिक ट्रेडिशन, साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन और स्कूल, रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पिनेरो एंड डी ट्रेडिशन ऑफ एडवर्ड बॉन्ड। सो द करेक्ट आंसर इज सी रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पिनेरो। देन 24, what will be the correct sentence, I dash there situation dash different। ये हमारा conditional sentence है, तो देखते हैं क्या ठीक होगा इसमें। First में दिया है had been and was, इसका तो कोई combination ही नहीं बैठेगा क्योंकि was के साथ हम क्या use करते हैं, हम use करते हैं would। Then second here was and was, that is also wrong। Third is had I been there, situation would have been different। अब conditional sentence में देखिए क्या होता है, या तो zero condition होती है जिसमें हम present plus present use करते हैं, first condition होती है जिसमें हम past plus would use करते हैं, first condition होती है उसमें हम present plus future use करते हैं, और जो second condition होती है उसमें हम past plus would use करते हैं, past tense plus would। और जो हमारी थर्ड कंडीशन होती है उसमें हम थर्ड कंडीशन में यहाँ पे हैड बीन का यूज होता है, मीन्स हैड पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, प्लस में वुड हैव यूज करते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको। सो हेयर सी आंसर इज करेक्ट, हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। और यहाँ हैड स्टार्टिंग में इसलिए आया है क्योंकि ये इन्वर्जन है सेंटेंस का। इन्वर्जन में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट हम यूज करते हैं उसके बाद सब्जेक्ट यूज होता है। द करेक्ट आंसर इज सी। 25, इफ आई डैश गॉड, आई डैश ऑल सफरिंग। सो इफ आई वॉज गॉड आई कुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग। बी इफ आई वर गॉड आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग। सी If I had been God, I had eliminated all suffering. And D, if I am God, I can eliminate all suffering. So what is the correct answer here? Was के साथ could use नहीं होगा यहाँ पे। Here, if I were,
जब हम कोई विश बोलते हैं जो कि इम्पॉसिबल होती है तो हम उसके लिए वर यूज करते हैं. सो इफ़ आई वर गोड, और यहाँ पे पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट के साथ हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, सिंपल पास्ट है, यहाँ पे इसके साथ हम लगाएंगे वुड. तो ये हमारा करेक्ट आंसर है. इफ़ आई वर गोड आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग. हेयर यू सी आई हैड बीन के साथ यहाँ पे अगेन आई हैड एलिमिनेटेड हो गया है, दैट इज रॉन्ग. और यहाँ एम के साथ कैन हो गया है. इफ़ आई एम गॉड, यदि मैं भगवान हूँ, लेकिन यहाँ तो हम विश कर रहे हैं तो विश के लिए हम वर यूज करते हैं. सो द बी इज करेक्ट आंसर. देन 26. व्हाट वाज द ट्रेजिक फ्लो इन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ. सो मैकबेथ के कैरेक्टर में ट्रेजिक फ्लो क्या था? ओवर थिंकिंग, इंसैनिटी, इनएक्शन और ओवर एम्बिशन. सो उसमें ओवर एम्बिशन थी. पहले वो राजा बनना चाहता था, उसके लिए वो मर्डर पे मर्डर करता चला गया. सो उसकी ओवर एम्बिशन के कारण ये उसका ट्रेजिक फ्लो था. देन 27. द करेक्ट स्पेलिंग इज. सो इसमें करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करनी है. आप अच्छे से देख लीजिए विच वन इज करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज डी. देन 28. चूज द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड. अगेन बिगिनिंग की स्पेलिंग दी हुई है. यू फाइंड द करेक्ट आंसर हेयर. सो इसका सही आंसर है बी, बिगिनिंग. बी ई जी आई एन आई एन जी, बिगिनिंग. देन 29. वाट मेक्स दीज होल्स. इसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है. आई होप आपने सही आंसर फाइंड कर लिया होगा. अब देखिए, जब यहाँ वाट से स्टार्ट हुआ है तो हाउ से तो स्टार्ट नहीं होगा, दैट इज रॉन्ग. अब यहाँ पे डू से भी स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड वाट आया हुआ है. देन हु मेक्स दीज होल्स विद, ये एंड वॉट आर दीज होल्स मेड बाय. सो हेयर यू सी वाट से स्टार्ट हुआ है तो वाट से स्टार्ट होगा. देन यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? दीज होल्स. और दीज होल्स यानी प्लूरल है और ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में बना हुआ है तो इसलिए हमारा यहाँ आर यूज हो गया और प्लूरल के लिए हमने आर लगाया है यहाँ पे. व्हाट आर दीज होल्स, थर्ड फॉर्म ऑफ मेक इज मेड. सो मेड बाय, गॉट इट. द करेक्ट आंसर विल बी बी. करेक्ट आंसर इज बी. सी लगा देती हूँ. देन क्वेश्चन नंबर 30. व्हेन देयर मदर वाज इल द चिल्ड्रन वर लुक्ड आफ्टर बाय देयर नेबर्स. जब उनकी मदर बीमार थी तो जो उनके बच्चे थे, माँ के बच्चे थे, उनका जो लुक आफ्टर थी, देखभाल की गई थी, वो नेबर द्वारा की गई थी, पड़ोसियों के द्वारा की गई थी. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हेयर. व्हेन देयर मदर वाज इल देयर नेबर्स लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन. यस दिस इज द करेक्ट आंसर. व्हेन देयर मदर वाज इल, ये प्रेजेंट क्लोज हमारी सेम आएगी. व्हेन देयर मदर वाज इल देन द चिल्ड्रन वर लुक्ड आफ्टर बाय देयर नेबर्स. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा? नेबर है. सो देयर नेबर. और ये जो टेंस है हमारा ये है पास्ट इंडेफिनेट. तो पास्ट इंडेफिनेट में यहाँ पे आ गया लुक्ड का, लुक्ड आ गया है, लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन. गॉट इट. द करेक्ट आंसर इज ए. देन 31. इट इज टाइम टू शट द शॉप. द पैसिव कंस्ट्रक्शन फॉर द अबव एज. सो इट इज टाइम टू शट द शॉप. व्हाट इज द करेक्ट आंसर हेयर. हेयर यू सी, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं कैसे फॉर्म करते हैं हम इसको. सो इट इज टाइम हमारा सेम रहता है और यहाँ पे जैसे हमारा इन्फिनिटिव आ रहा है एंड देन द ऑब्जेक्ट. सो इट इज टाइम फॉर द सोप. हम पहले इसको सोप को पहले ले लेंगे, फोर प्लस सोप. सो इट इज टाइम फॉर द सोप.
और टू सट का टू बी सट, इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस होता है टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म. सो द करेक्ट आंसर इज इट इज टाइम फॉर द सोप टू बी सट. डी इज करेक्ट आंसर. देन 32, वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न एट, बहुत इजी सा क्वेश्चन है. सो द करेक्ट आंसर इज कोकर माउथ. देन 33, आई डैस दैट यू डैस राइट. सो अगेन यहाँ पे विश किया हुआ है हमने, आई विश्ड दैट यू हैड बीन राइट, नो. देन सी, आई विश दैट यू विल बी राइट, नो. आई मे विश दैट यू वर राइट, नो. हेयर यू सी आई विश, बी आई विश दैट यू वर राइट, जब हम कुछ काश तुम सच्चे हो, तो यहाँ पे विश के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, सॉरी बी, 33 का बी. देन 34, ओनली द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. हमें इसको नेगेटिव में चेंज करना है. सो नन बट द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. बी, नन बट द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. देन सी, ओनली बट द साइंस स्टूडेंट्स कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. एंड डी, नो अदर देन साइंस स्टूडेंट्स कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. सो द करेक्ट आंसर विल बी, यहाँ तो नो के साथ में यहाँ भी नो आ गया है, सो ये तो पहले से ही रॉन्ग हो गया. देन ओनली बट द साइंस स्टूडेंट्स कैन नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट. ओनली बट के साथ यहाँ पे नोट आ गया, ये भी हमारा रॉन्ग सेंस दे रहा है. नन बट द साइंस स्टूडेंट्स, नन के साथ भी, नन हमारा पहले ही नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ कैन नॉट यूज हुआ, दैट इज रॉन्ग. हेयर यू सी नन, ये हमारा नेगेटिव जो सेंस देता है. बट द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, मीन्स सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो बी इज करेक्ट आंसर हेयर. 35 पे चलते हैं. 35, द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फॉर ओपन द डोर इज, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है. सो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, उन्हें हम लेट से स्टार्ट करते हैं. सो लेट प्लस ऑब्जेक्ट लेंगे पहले, द डोर, देन बी प्लस थर्ड फॉर्म. सो इसका जो फॉर्मूला है, लेट प्लस जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए. 36, हु टोट यू ग्रामर, सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. ग्रामर वॉज टोट टू यू बाय हुम, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि हुम सबसे बाद में आ गया, हमें क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करना है. Who has been teaching grammar? यहाँ पे देखिए has been teaching, tense ही चेंज हो गया है. By whom were you taught grammar? And then D part is grammar is taught to you by whom. ये भी whom जो बाद में आ गया, that is wrong. Here you see whom, who का हम whom में चेंज कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले by लगा दिया है. So by whom were you taught grammar? हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगाएंगे और सब्जेक्ट हमारा बाद में होगा. सो दिस वन इज राइट. द करेक्ट आंसर विल बी सी, बाय हुम वर यू टोट ग्रामर. 37, एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी, हर कोई खुश रहना चाहता है. तो इसको हमें इंटरोगेटिव में चेंज करना है. सो ए इज देयर एनी मैन हु विशेस टू बी हैप्पी. बी, Is there no one who wishes happiness for himself? C, is there any man who does not wish to be happy? And D is there not any man who wishes not being happy? So here you see, C is correct answer. जो हमें interrogative में change करना होता है, उसको हम साथ में
नेगेटिव में भी लेके चलते हैं. सो इज़ देयर एनी मैन, क्या कोई ऐसा आदमी है हु डज नॉट विश टू बी हैप्पी, जो खुश रहना नहीं चाहता हो. इट मीन्स सभी खुश रहना चाहते हैं. सो ये हमारा इंटेरोगेटिव में हो गया. और जब भी हम किसी सिंपल सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं तो उसमें साथ में नेगेटिव भी लेके चलते हैं. 38. आफ्टर होम वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड, सर वाल्टर स्कॉट, रॉबर्ट साउदी, देन कोलरिज और बेन जॉनसन. सो द करेक्ट आंसर इज बी, रॉबर्ट साउदी. देन 39. लैम्पून इज अ क्रूड डिफेमेटरी सटायर यूजुअली अटैक ए और एन रेस, कंट्री, रिलीजन और इंडिविजुअल. द करेक्ट आंसर विल बी इंडिविजुअल. और इस क्वेश्चन को मैंने सर्कल किया हुआ है क्योंकि मुझे लगा इसको एक दो बार और रिवीजन में लेना चाहिए. देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ ट्रांसिटिव वर्ब. अब ट्रांसिटिव वर्ब वो होती हैं जिन वर्ब्स के बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं. सो हेयर यू सी, ही इज सब्जेक्ट, नोज वर्ब एंड इंग्लिश दैट इज ऑब्जेक्ट. सो दिस वन इज ट्रांसिटिव वर्ब. सेकेंड में देखते हैं ये ट्रांसिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि द रिवर सब्जेक्ट है, इज फ्लोइंग फास्ट. अब जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, वो हमारा या तो होम का रिप्लाई करते हैं और या फिर व्हाट का रिप्लाई करते हैं, क्या और किसको. अब रिवर इज फ्लोइंग, लेकिन ये किसका रिप्लाई कर रही है, फास्ट, ये कैसे का रिप्लाई कर रही है, हाउ, हाउ इज रिवर फ्लोइंग, तो ये फास्ट का कर रही है, तो ये एडवर्ब है हमारा. सी डांसेस, अब वो डांस करती है, कैसे करती है, वेरी ब्यूटीफुली, तो ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा. माई सिस्टर इज गोइंग टू हर ट्रेनिंग सेंटर, अब वो इसका क्या है, कहाँ जा रही है, ये भी ना क्या का रिप्लाई कर रही है ना किसको का रिप्लाई कर रही है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, ही नोज इंग्लिश वेरी वेल. आगे देखते हैं 41. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, He had stolen my pen. She came late today. I shall kill him. And D is he was visiting us yesterday. So the correct answer will be he was visiting us yesterday. Then 42. There are more things in heaven and earth, Horatio, then are dreamt of in your philosophy. So who addresses these lines to Horatio? तो इसके लिए आप देखिए Horatio हमारा कौन से प्ले में है. The correct answer will be D, Hamlet. ये Hamlet ने Horatio से बोला था. Then 43. Impossible to describe, जिसको डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल हो. द करेक्ट आंसर विल बी इनएफेबल. देन 44. वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज. द करेक्ट आंसर विल बी सी, स्टो अवे. देन 45. द लैंग्वेज यूज बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामाज फॉर द मोस्ट पार्ट इज. शेक्सपियर मोस्टली कौन सी जो क्या टर्म यूज करता था अपने ड्रामाज में, दैट इज ब्लैंक वर्स. देन 46. अ मिरेकल प्ले इज वन इन विच इम्प्रोबेबल एंड सेंसेशनल कैरेक्टर्स आर सोन, सुपर नेचुरल थीम एंड कैरेक्टर्स आर डिस्प्लेड, सेक्रेट सब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड और मेडिवियल सेटअप एंड थीम आर डेल्ट विद. सो वॉट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज सेक्रेट सब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड, सी पार्ट.
ये जो प्ले हैं ये थ्री टाइप्स के होते हैं, मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले एंड मोरालिटी प्ले। जो मिस्ट्री प्ले होते हैं वो रिलेटेड टू बाइबल होते हैं। मिरेकल प्ले में हम सैक्रेड सेंट्स वगैरह जो होते हैं उनकी लाइफ को लेके चलते हैं। और थर्ड होते हैं मोरालिटी प्ले, जिसमें हम जो कैरेक्टर होते हैं मोरालिटी के जो कैरेक्टर होते हैं उन्हें कैरेक्टर बेस यूज करते हैं, जैसे गुड ईविल, उनको कैरेक्टर बना करके प्ले में डाला जाता है। द करेक्ट आंसर विल बी सी। देन 47, हु इज एट वंस द चाइल्ड ऑफ द रेनेसा एंड द रिफॉर्मेशन? मिल्टन, सिडनी, किड और नेसे। सो द करेक्ट आंसर विल बी मिल्टन। जॉन गाल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ अ, सो जॉन गाल्सवर्दी के फादर क्या थे? ही वॉज अ लॉयर, वो वकील थे। देन 49, क्लूज अवेलेबल एट अ सीन, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हेयर? सर्कमस्टेंशियल, डेरिवेट, इनफेरेंशियल एंड सजेस्टिव। द करेक्ट आंसर विल बी ए, सर्कमस्टेंशियल, सर्कमटेनियल। करेक्ट आंसर इज ए। देन 50 इज एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून, विंडफॉल, फिलेंथ्रोपी, बेनेवोलेंस और टर्नस्टाइल। द करेक्ट आंसर विल बी ए, विंडफॉल। इन द फोरसाइट सागा द फोरसाइट बिलोंग टू अ कंट्री साइड फैमिली, टिपिकल सिटी फैमिली, द फैमिली ऑफ इमेजिनरी आईलैंडर्स और नन ऑफ द एबव। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, अ टिपिकल सिटी फैमिली। 52, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट सैटर्न इज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? इनमें से किसने बोला था कि सैटर्न जो है पैराडाइज लॉस्ट का रियल हीरो है? सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, विलियम ब्लेक। इसी ने बोला था कि मिल्टन जो है सैटर्न की साइड पे है विदाउट नोइंग इट, और उनको इस बात का पता भी नहीं है, तो उसने सैटर्न को रियल हीरो बताया था। 53, व्हाट इज अ मोनोडी? मोनोडी क्या होती है? फाइंड द करेक्ट आंसर हेयर। फर्स्ट इज अ पोम ऑफ मॉर्निंग स्पोकन बाय वन पर्सन ओनली, अ पोम रिगार्डिंग प्रेज ऑफ वन इंडिविजुअल बाय अनदर, सी अ पोम अबाउट वन सेल्फ, वंस ओन थॉट्स एंड आइडियाज, एंड डी इज अ पोम रिटन विद अ सिंगुलर मैट्रिकल पैटर्न। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, ये जो होती है मोनोडी ये एक पोम है ऑफ मॉर्निंग स्पोकन बाय वन पर्सन ओनली, कि एक पर्सन की जो मॉर्निंग पोम होती है किसी की डेथ वगैरह पे, तो उसको हम मोनोडी बोलते हैं। देन 54, मैनी अ गुड हैंगिंग्स प्रिवेंट अ बैड मैरिज इज टेकन फ्रॉम, ये कौन से प्ले से ली गई है लाइन? सो द करेक्ट आंसर इज 12th नाइट। देन 55, लिमरिक इज अ स्पेशल ऑफन रिबल्ड रेफरिंग सेक्सुअल मैटर इन एन अम्यूजिंगली रूड वे, स्पेसीज ऑफ लाइट वर्स फर्स्ट पॉपुलराइज्ड बाय। सो द करेक्ट आंसर विल बी जॉन डन। नो, दैट इज द एडवर्ड लियर। द करेक्ट आंसर इज एडवर्ड लियर। देन 56, रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ पोप, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन एंड एज ऑफ ड्राइडन। सो 56 का करेक्ट आंसर है बी, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देन
व्हाट वॉज मिल्टन्स एम इन राइटिंग एरोपेजिटिका? सो जस्टिफाई द वेज ऑफ गोल्ड, क्रिटिसाइज रियलिस्ट, देन सी स्ट्रेंथन प्यूरिटन बिलीफ, एंड डी इज फ्रीडम ऑफ द प्रेस. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, फ्रीडम ऑफ द प्रेस. देन 58, वर्ड्सवर्थ रोड द प्रेल्यूड इन, तो कितनी बुक्स लिखी थी प्रेल्यूड में उसने? 14 बुक्स. देन 59, प्रिटेंडेड अटैक. सो जो प्रिटेंडेड अटैक होता है उसको क्या बोलते हैं? 59 का सी. मैं आपको डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रही हूँ जिससे हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका ज़्यादा टाइम इसमें खर्च ना हो. देन 60, व्हाट इज द टर्म यूज बाय एमिली जोला एंड अदर फ्रेंच राइटर्स टू डिस्टिंग्विश देयर मेथड्स फ्रॉम द रियलिज्म ऑफ बेलजैक एंड फ्लॉबर्ट? द करेक्ट आंसर विल बी नेचुरलिज्म. 61, डाउट ट्रूथ टू बी लायर बट नेवर डाउट आई लव, कि एक बार को सच पे भी डाउट कर लेना कि सच भी झूठ हो सकता है या सच भी झूठ बोल सकता है, लेकिन जो कभी मेरे प्यार पर डाउट मत करना. तो ये लाइन किसने बोली थी? ये लाइन हमारी अपीयर हुई थी हैमलेट में. देन 62, हु कॉइन्ड द टर्म डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी? सो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी किसने दिया था टर्म? सो इट वॉज गिवन बाय T.S. Eliot. 63, टू गेट द कंप्लीट मीनिंग ऑफ अ पोम ओंटोलॉजिकल द मेटाफिजिकल स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस क्रिटिसिज्म पुट्स एम्फेसिस ऑन? द करेक्ट आंसर विल बी डी, बोथ ए एंड बी, द टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर बोथ. देन 64, देयर इज डिविनिटी दैट शेप्स अवर एंड्स इज सेड बाय ब्रूटस, होरेसियो, हैमलेट और एंटोनी. सो द करेक्ट आंसर विल बी हैमलेट. देन 66, गॉल्सवर्थी मेट हिम इन 1893 एंड फॉर्मड अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विद हिम. सो जो जो गॉल्सवर्थी के जो फ्रेंड थे जो उन्हें 1893 में मिले थे, हिज नेम वॉज कॉनरेड. देन 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ क्वालिटी ऑफ रेनेसा पोइट्री? सो जो रेनेसा पोइट्री थी उसकी चीफ क्वालिटी क्या थी? ईगोटिज्म, सेल्फ एफेसमेंट, क्लासिकल रेस्ट्रेंट और नन ऑफ द अबव? सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, ईगोटिज्म. देन 68, पैंजरिक इज अ फॉर्मल रिटन और ओरल कंपोजिशन? आई होप आपने सही आंसर फाइंड कर लिया होगा. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, लाउडिंग पर्सन. देन 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नुप्सियल सॉन्ग प्रेइंग फॉर द जॉय एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम? 69, सो जो मैरिज पे जो पोम लिखी जाती है, मैरिज के सॉन्ग्स होते हैं, या प्रेइंग फॉर द जॉय एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द ब्राइड, जो दुल्हन की और ब्राइड ग्रूम होता है दुल्हा, उसके प्रोस्पेरिटी के लिए जो सॉन्ग गाए जाते हैं, प्रे की जाती है, दैट इज कॉल्ड एपिथैलेमियन. देन 70, फॉर देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो, हु सेज? ऐसा किसने बोला था? ओथेलो टू डेस्डिमोना,
प्लेयर किंग टू क्वीन, हैमलेट टू रोजेनक्रेट्स, रोसेनक्रेटेज क्रेंट्स एंड डीज रोसेनक्रेंट्स टू हैमलेट। 70 का सही आंसर होगा सी, हैमलेट टू रोसेनक्रेंट्स। बड़े अजीब अजीब नाम रखते हैं लोग। देन 71, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, पैराडाइज रिगेन्ड और 12 नाइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी पैराडाइज रिगेन्ड, सी आंसर इज करेक्ट। 72, हु सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड, अ नोबल एंड पुइसेंट नेशन राउजिंग हर सेल्फ लाइक अ स्ट्रोंग मैन आफ्टर स्लीप एंड शेकिंग हर इनविजिबल लॉक्स। सो इट वॉज सेड बाय जॉन मिल्टन। देन 73, वी नो वाट वी आर बट नो नोट वाट वी मे बी, वायोला, ओफेलिया, क्वीन गर्ट्रूड और रोजालिंड। द करेक्ट आंसर विल बी ओफेलिया। 74, इरविंग बेबिट, पॉल एल्मर मोर एंड नॉर्मन फोइटर स्टार्टेड अ रिएक्शनरी मूवमेंट अगेंस्ट द एक्सेस ऑफ रोमांटिक इंडिविजुअलिज्म एंड रियलिस्टिक नेचुरलिज्म ऑफ 1920s। व्हाट वाज द मूवमेंट कॉल्ड? सो इस मूवमेंट को क्या कहा जाता था? दैट इज कॉल्ड 74 ए इज करेक्ट आंसर, न्यू ह्यूमैनिज्म। देन 75, व्हाट इज द डिवाइस कॉल्ड बाय विच नॉन ह्यूमन एंड नॉन लिविंग नेचर इज क्रेडिटेड विद ह्यूमन इमोशंस, जिसमें जो नॉन ह्यूमन जो चीज़ें होती हैं, नॉन लिविंग जो नेचर होता है उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे उसमें ह्यूमन इमोशंस हो, तो ऐसे टर्म को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड पैथेटिक फैलेसी। देन फॉलन चेरब, टू बी वीक इज मिजरेबल, हु सेज दीज वर्ड्स? सो 76, ए बिलजबब, बी एडम, सी सैटन एंड डी बेलियल। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी सैटन, एंड दैट इज द मोटिवेशनल लाइन। बहुत ही मोटिवेशनल लाइन है ये। व्हाट इज द कॉन्स्पिक्यूअस फीचर ऑफ मिल्टन्स लैंग्वेज एंड स्टाइल? लैटिनिज्म, रिलीजियस टीचिंग, सी फ्रेंच ट्रेडिशन एंड डी नन ऑफ देम। सो द करेक्ट आंसर इज ए लैटिनिज्म। देन 78, वेयर द ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फॉल, हु स्पीक्स हैमलेट? सो ये किसने बोला था? हैमलेट, होरेसियो, गर्ट्रूड और किंग क्लाउडियस। सो इट वॉज टोल्ड बाय किंग क्लाउडियस, डी इज करेक्ट आंसर। 79, सोनेट नंबर 130 ऑफ शेक्सपियर बिगिंस विद दिस लाइन, ओ मिस्ट्रेस आईज आर माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन, ऑफन डब्ड आई स्पूफ द सोनेट। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, पैरोडीज द कन्वेंशंस ऑफ एलिजाबेथन लव सोनेट्स बोथ इन कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। देन 80, इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडिड प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स? वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट्स के लिए प्रीफेस कब लिखा था? 1798, 1800, 1802 और 1805।
द करेक्ट आंसर इज बी 1800 1800। देन 81। इन 1891 ओस्कार वाइल्ड साइटेड द फॉलोइंग पोम एज एन एग्जाम्पल ऑफ द डिलेटेरियस इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर इन वर्ड्सवर्थ्स पोएट्री। नेम द पोम। पीटर बेल, प्रेल्यूड, लूसी ग्रे और लिरिकल बैलेड्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी पीटर बेल। 82। चूज द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर पंचुएटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। सम आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। इसको हमें पंचुएट करना है, इसमें सही पंचुएशन यूज करनी है। सो सम आर बोर्न ग्रेट कोमा सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। सो दैट इज द करेक्ट आंसर हेयर। इसका ए आंसर सही है। 83। ही ऑर्डर्ड डैश द डिनर व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। सो नो प्रेपोजिशन इज नीडेड। बी फोर, सी ऑफ एंड डी अबाउट। सो ऑर्डर्ड हमारा ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं यूज करते। सो ए इज करेक्ट आंसर, नो प्रेपोजिशन इज नीडेड। ही ऑर्डर्ड द डिनर। देन 84। आई वंडर इफ आई शैल गेट डैश माई हिस्ट्री एग्जामिनेशन। ऑप्शंस आर एट, इन, थ्रू और नो प्रेपोजिशन इज नीडेड। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हेयर। आई वंडर इफ आई शैल गेट थ्रू माई हिस्ट्री एग्जामिनेशन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 85। द मनी जस्ट बी डेल्ट डैश फेयरली एंड जस्टली इन विद ऑफ एंड आउट। सो द करेक्ट प्रोनंसिएशन विल बी करेक्ट प्रेपोजिशन विल बी डी आउट। द मनी मस्ट बी डेल्ट आउट फेयरली एंड जस्टली। देन 86। हिज कॉमेंट्स वर ऑलमोस्ट इररेलीवेंट डैश द टॉपिक ऑफ द इवनिंग। उसकी जो कॉमेंट्स थी वो इररेलीवेंट थी इवनिंग के टॉपिक से। सो द प्रेपो आर फोर, टू, ऑन और अबाउट। सो इसमें सही प्रेपोजिशन कौन सी आएगी। सो इररेलीवेंट के साथ हम यूज करते हैं टू। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। 87। चूज द ऑप्शन विच गिवन द करेक्ट मीनिंग ऑफ द idiom फ्रेज टू वेदर द स्टॉर्म। ऑप्शंस आर टू withstand heavy rains, टू survive a crisis, टू क्रिएट अ क्राइसिस और टू फॉल अ प्रे। सो 87 का बी ऑप्शन करेक्ट है, टू सर्वाइव अ क्राइसिस। देन 88। टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, टू डिपेंड ऑन वंस डेस्टिनी, टू बिकम अ रेस्टलेस पर्सन, टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ और टू क्रेव फॉर अनड्यू पॉपुलैरिटी। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ। देन 89। टू कम अक्रॉस, ए टू चैलेंज समवन, टू पास अ ब्रिज, टू मीट विद एंड डी टू अपीयर आउट ऑफ द ब्लू। So the correct answer will be of 89, C, to meet with. Then 90 question is,
आई एम डन फॉर मीन्स, आई एम डन फॉर का क्या मीनिंग होगा, दैट मीन्स रुइंड। ए इज करेक्ट आंसर। 91, राइटिंग नॉवेल्स इज माई ब्रेड एंड बटर, द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन मीन्स। सो अंडरलाइन क्या है यहाँ पे, ब्रेड एंड बटर। सो ब्रेड एंड बटर का मीन्स क्या होता है, दैट मीन्स लेवलीहुड। ए इज करेक्ट आंसर। देन 92, हु अमंग द फॉलोइंग हैज कॉइन्ड द टर्म गैंडलेक्ट, दैट इज, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, डबोरा टेनन। 93, मेटाफर डिफर्स फ्रॉम सिमली इन दैट अ कंपैरिजन इन मेटाफर इज यूजुअली एक्सप्लिसिट, वराज इन सिमली इट इज इम्प्लिसिट। बी, अ कंपैरिजन इन मेटाफर इज यूजुअली इम्प्लिसिट, वराज इन सिमली इट इज एक्सप्लिसिट। देन सी, नाइदर मेटाफर नोर सिमली इज रूटेड इन कंपैरिजन। एंड डी, सिमली इन्वॉल्व्स सुपर इम्पोजिशन, मेटाफर इन्वॉल्व्स कंपैरिजन। सो द करेक्ट आंसर विल बी, आई होप आपने फाइंड आउट कर लिया होगा, द करेक्ट आंसर इज बी, अ कंपैरिजन इन मेटाफर इज यूजुअली इम्प्लिसिट, वराज इन सिमली इट इज एक्सप्लिसिट। देन 94, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइंड द टर्म एस्थेटिक्स। सो 94 का करेक्ट ऑप्शन है बी, अलेक्जेंडर ब्यूम गार्टन। देन 95, फ्रॉम हुज वर्क डिड जॉन मिल्टन टेक द एपिग्राफ टू हिज एरोपेजिटिका। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, यूरिपाइड्स। देन 96, हु अमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द जैज एज। तो इनको आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं सीधे आंसर ही बता रही हूँ। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, स्कॉट फिट्जेराल्ड एंड जॉन डोस पैसोस। 97, हु मेड द रिमार्क ग्रेट लिटरेचर इज सिंपली लैंग्वेज चार्ज्ड विद मीनिंग टू द अटमोस्ट पॉसिबल डिग्री। सो द करेक्ट आंसर इज एजरा पाउंड। देन 98, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस ऑफ लॉस्ट जनरेशन अ टर्म कॉइंड बाय गर्ट्रूड स्टेन इज करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, द अमेरिकन एक्सपैट्रिएट्स इन यूरोप आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। एंड जो क्वेश्चन आपको लर्न नहीं है इनमें से, या जो थोड़े आपको टफ लग रहे हैं, उनको आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं रिवाइज करने के लिए। देन 99, विच टर्म अमंग द फॉलोइंग विल बी एप्लीकेबल टू अ सिचुएशन इन विच अ कैरेक्टर इनिशिएट्स आई स्कीम विच डिपेंड्स फॉर इट्स सक्सेस ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम इट इज डायरेक्टेड। यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड इट प्रॉपरली। सो द करेक्ट आंसर विल बी इंट्रीग, बी इज करेक्ट आंसर। Then 100 question is, which three of the following writers are associated with kitchen sink drama? इनमें से कौन से तीन writer kitchen sink drama से associate हैं, संबंधित हैं? So Arnold Wesker, John Arden, Selig Delaney and John Osborne। सो 100 का करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी,
ए सी एंड डी, ये तीनों राइटर एसोसिएटेड हैं किचन एंड ड्रामा से। देन 101, इन द फॉलोइंग लिस्ट विच टू एक्टर्स बिलोंग टू द एलिजाबेथन पीरियड। अब एलिजाबेथन पीरियड से कौन कौन से राइटर इसमें एसोसिएटेड हैं? रिचार्ड बर्बेज, फिल कैंपे, डेविड गैरिक एंड जॉन कैम्बल। द करेक्ट आंसर विल बी सी, ए एंड बी। ए एंड बी मीन्स रिचार्ड बर्बेज एंड विल कैंपे, ये दोनों एलिजाबेथन पीरियड से बिलोंग करते हैं। देन रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चन केयरफुली। सो ये देखने से पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, जिससे आप इसको फाइंड आउट करने में ईजी रहे। द एक्सप्रेशन अदर्स इक्वली इफेक्टिव डेटरेंट्स मीन्स, इसका हमें, ये जो फ्रेज यहाँ दी हुई है इसका हमें मीनिंग निकालना है इसमें। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन, ये पैराग्राफ देखिए। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स लाइक कैटरपिलर्स ऑफन फॉल प्रे टू हंटर्स लाइक बर्ड्स और रेप्टाइल्स डेस्पाइट नो मीन्स टू एक्टिवली डिफेंड देमसेल्व्स विद वेपन्स लाइक क्लोज और जॉज। दे हैव नेवर द लेस इवोल्ड अदर इक्वली इफेक्टिव डेटरेंट्स, ये फ्रेज यहाँ दी हुई है। अ पर्टिकुलर स्पेसीज ऑफ द कैटरपिलर लिव्स एट एन अल्टीट्यूड ओवर 2,500 meters इन द हिमालयाज। इट यूजेज प्रोमिनेंट कलर टू इन्फॉर्म वुड बी प्रेडेटर्स ऑफ इट्स इन एडिबिलिटी इन द इवेंट दैट एन एक्सपीरियंस्ड और एडवेंचरस बर्ड डिड ईट द कैटरपिलर इट वुड प्रोबेबली वोमिट इट सून आफ्टर एंड सब्सिक्वेंटली डेसिस्ट फ्रॉम अटैकिंग सिमिलर स्पेसीज इन फ्यूचर दाउ दिस वुड डू द अनफॉर्चुनेट विक्टिम नो गुड अ रेयर एग्जाम्पल ऑफ द मार्टर अमंग एनिमल्स। अब यहाँ पे देखिए द एक्सप्रेशन अदर्स इक्वली इफेक्टिव डेटरेंट्स मीन्स, इसका जो सही मीनिंग है वो क्या है? तो मैं सीधे आपको आंसर ही बता देती हूँ। बी इज करेक्ट आंसर, मैकेनिज्म विच स्केयर्स एवरी वन इक्वली वेल। देन 102, एक्सपीरियंस्ड बर्ड्स डू नॉट अटैक द हिमालयन कैटरपिलर, जो एक्सपीरियंस बर्ड होती हैं वो हिमालयन कैटरपिलर पे क्यों अटैक नहीं करती हैं? बिकॉज दे आर, क्योंकि वो क्या हैं? दे आर इनएडिबल, क्योंकि वो खाने योग्य नहीं हैं। अगर वो उनको खा लेती हैं तो वो क्या करती हैं? वोमिट कर देती हैं, इसलिए जो एक्सपीरियंस बर्ड होती हैं वो उनको खाती ही नहीं। देन 104, द हिमालयन कैटरपिलर यूजेज प्रोमिनेंट कलर्स टोन एंड डैश। सो द करेक्ट आंसर विल बी वॉर्न द प्रेडेटर, वो प्रेडेटर को वॉर्न करने के लिए ऐसा करते हैं। 105, कैटरपिलर्स कैन नॉट डिफेंड themselves बिकॉज दे, कैटरपिलर्स अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते हैं, बचाव नहीं कर सकते अपना, क्योंकि वो क्या हैं? दे आर पैसिव एनिमल्स, दे आर लेजी, कैन नॉट एक्वायर वेपन्स और हैव नो क्लोज और जॉज। सो द करेक्ट आंसर विल बी दे हैव नो क्लोज और जॉज, क्योंकि उनके जो दांतों में जबड़े हैं या पैने दांत नहीं हैं और उनके पंजे, शार्प पंजे नहीं होते उनके, इसलिए वो खुद को डिफेंड नहीं कर सकते। देन 106, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज अ मार्टर इज वन हु डाइज विदाउट पुटिंग अप रेसिस्टेंस विदाउट एनी गेन टू वन सेल्फ वाइल डिफेंडिंग वंस होमलैंड एंड टू सेव अदर्स। सो जो मार्टर होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें से कौन सी क्वालिटी होती है उनमें? मार्टर्स डाइज टू सेव अदर्स,
डी इज करेक्ट आंसर. देन चेंज द नरेशन. आयुर्वेदा मेक्स वाइड यूज ऑफ जिंजर टू ट्रीट अ होस्ट ऑफ डिसऑर्डर्स. देन ए वाइड यूज ऑफ जिंजर, इसमें हमें नरेशन चेंज करनी है इनकी. वाइड यूज ऑफ जिंजर हैज बीन मेड इन आयुर्वेदा टू ट्रीट अ होस्ट ऑफ डिसऑर्डर्स. देन बी जिंजर इज बींग वाइडली यूज टू ट्रीट अ होस्ट ऑफ डिसऑर्डर्स इन आयुर्वेदा. सी अ होस्ट ऑफ डिसऑर्डर्स आर मेड यूज ऑफ इन आयुर्वेदा विद रिगार्ड टू जिंजर. एंड डी वाइड यूज ऑफ जिंजर इज मेड इन आयुर्वेदा टू ट्रीट अ होस्ट ऑफ डिसऑर्डर्स. सो वॉट इज द करेक्ट आंसर हेयर? सो इसकी हमें वॉइस चेंज करनी है. यहाँ पे नरेशन दिया हुआ है लेकिन इसको हमें पैसिव वॉइस में बनाना है. सो हेयर यू सी आयुर्वेदा मेक्स वाइड यूज ऑफ जिंजर. इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? वाइड यूज ऑफ जिंजर है. सो वाइड यूज ऑफ जिंजर इज मेड, मेक की थर्ड फॉर्म हो गई मेड इन आयुर्वेदा टू ट्रीट अ होस्ट ऑफ डिसऑर्डर्स. सो डी पार्ट इज करेक्ट हेयर. 108. Why did he deprive you of your membership? इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में. सो why से स्टार्ट होगा तो why ही यूज होगा स्टार्टिंग में. Why did the he deprive? ये हमारा पास्ट टेंस में है. सो ए हमारा यहाँ प्रेजेंट में है, ये पहले ही रॉन्ग हो गया है. हेयर यू सी वाई ही डेप्राइव्ड, वाई के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ये रॉन्ग हो गया है. वाई वाज योर मेंबरशिप डेप्राइव्ड ऑफ यू, ये हमारा रॉन्ग सेंस जा रहा है क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है हमें यू लेना है. एंड हेयर वाई वर यू, यू के अकॉर्डिंग हमने वर यूज किया है प्लूरल वर्ब. डेप्राइव्ड ऑफ योर मेंबरशिप बाई हिम. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. 108 का डी करेक्ट है. देन 109. ही जेंटली टैप्ड मी ऑन माई शोल्डर, उसने मुझे जेंटली टैप किया मेरे शोल्डर पर. तो इसको हमें चेंज करना है. आई वॉज जेंटली टैप्ड ऑन माई शोल्डर बाय हिम. इट वॉज माई शोल्डर दैट वॉज जेंटली टैप्ड बाय हिम. तो ये तो पहले से रॉन्ग जा रहा है बी. Then my shoulder had been gently tapped by him and gently was my shoulder being tapped by him. तो इसका हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है. He was gently tapped me. So me जो ऑब्जेक्ट हेयर, सो me का क्या बन जाएगा सब्जेक्ट में जा कर के I बन जाएगा. तो I was gently tapped on my shoulder by him. So A is correct answer. 109 का ए. देन 110. इट टुक द कमिटी मेंबर्स ओवर अ वीक टू डैश अ डिसीजन. सो कम रीच अचीव और अटेन, क्या वर्ड यहाँ पे सूटेबल होगा? दैट इज रीच. टू इट टुक द कमिटी मेंबर्स ओवर अ वीक टू रीच अ डिसीजन, डिसीजन तक पहुँचने में. देन 111. It will be very difficult to persuade the boss. He is very set in his desk. Habits, wage, plans or rules. The correct answer is wage. He is very set in his wage. Then 112. It goes without desk that will all stand by your new strategy. It goes without desk. So speaking, saying, talking or telling. यहाँ पे correct answer क्या होगा? The correct answer is saying. It goes without saying that we will all stand by your new strategy. Then 113. They are constantly on the desk, young and versatile people. Search for टर्म्स ऑफ, नीड फॉर एंड लुक आउट फॉर. थोड़ा छोटा कर देती हूँ, क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएगा आपको एक साथ. सो वॉट इज द करेक्ट आंसर हेयर?
दे आर कॉन्स्टेंटली ऑन द डैश यंग एंड वर्सेटाइल पीपल. सो द करेक्ट आंसर इज लुक आउट फॉर. देन 114. वाई शुड दे पनिश द इनोसेंट. देन ए वाई शुड दे बी पनिश्ड बाय द इनोसेंट. Why they should be punished by the innocent? Why the innocent should be punished by them? Or why should the innocent be punished by them? यहाँ भी पैसिव में चेंज करना हमें. Why का why स्टार्टिंग में आएगा. Then should हेल्पिंग वर्ब है, वो पहले आ जाएगी. So why should? तो इसमें तो why should C में और B में तो पहले दिया ही नहीं है, तो पहले ही रॉन्ग हो गए. तो फर्स्ट में और D में, इनमें why should दिया है. देन C द सब्जेक्ट हेयर, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा द इनोसेंट. सो why should they, ये भी रॉन्ग हो गया है. why should the innocent be punished by them, that is correct. So the correct answer is D. Then 115, music should be taught in every school. So A, they should be teaching music in every school. B, they should teach every school of music. C, they should be taught music in every school. And D, they should teach music in every school. Find the correct answer here. Music should be taught in every school. सो यहाँ पे हमारा हमें इसको पैसिव वॉइस में दिया है, इसको एक्टिव में हमें कन्वर्ट करना है. सो म्यूजिक शुड बी टॉट इन एवरी स्कूल. क्या यहाँ पे कोई सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इसको क्या लेंगे, सब्जेक्ट हमारा दे आ जाएगा. दे हेल्पिंग वर्ब शुड एंड बी टॉट, इसको जब हम फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इट वुड बी टीच. सो द डी इज करेक्ट आंसर हेयर. दे शुड टीच music in every school. Then 116. It is your dash to prepare this year's academic report. I did it last week. So it is your way, it is your turn, it is your move or it is your position. So सही आंसर क्या है यहाँ पे, it is your turn. इस बार तुम्हारा टर्न है to prepare this year's academic report. इस साल की एकेडमिक रिपोर्ट तैयार करने का, क्योंकि मैंने लास्ट वीक कर ली थी. सो द करेक्ट आंसर इज टर्न. 117. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर डेफिनेशन ऑफ एन इमेज इन लिटरेरी राइटिंग. सो लिटरेरी राइटिंग में इमेज की जो बेटर डेफिनेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्शन, अ स्पीकिंग पिक्चर, a refraction or a reflected picture. So the correct answer will be a speaking picture. 118. Which of the following is not true of post structuralism? It seeks to undermine the idea that meaning pre-exists its linguistic expression. B. There can be no meaning which is not formulated and no language formulation reaches anywhere beyond language. C. There is no a texture origin of a text. And D. Every sign refers to every other sign adequately. So the correct answer is D. Then 119. The period of Queen Victoria's reign is, जो Queen Victoria का reign period है, that is, what is the correct answer here? The correct answer is B. 1837 to 1901. B is correct answer. Then 120. Late capitalism by which is meant accelerated technological development and the massive extension of intellectually qualified labor was first popularized by. The correct answer is
अर्नेस्ट मेंडल. देन 121, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट क्रिटिक्स यूज्ड द एक्सप्रेशन जाइनो क्रिटिसिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, एलनी सो वॉल्टर. देन 122, द फ्रेज बॉटमलेस प्रेडिक्शन अकर्स इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इन विच बुक, बुक फर्स्ट, बुक फोर्थ, बुक सिक्स और बुक 12. सो द करेक्ट आंसर इज बुक फर्स्ट. 123, द फिगर अ पोम मेक्स इज एन एसे बाय हेनरी जेम्स, सिल्विया प्लेथ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और वॉलेस स्टीवेंस. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. 114, द वर्ड नेचर इन द 18th सेंचुरी लिटरेचर स्टैंड्स फॉर नेचर ऑफ राइटिंग, एक्सटर्नल नेचर, ह्यूमन नेचर और द यूनिवर्स. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, ह्यूमन नेचर. देन हु इज गिवन क्रेडिट फॉर फर्स्ट यूजिंग द टर्म रोमांटिक. सो रोमांटिक टर्म सबसे पहले किसने यूज किया था? सो द करेक्ट आंसर इज फ्रेडरिच शलीगल. गॉट इट? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. और इस वीडियो के लिए आपके क्या फीडबैक्स हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए. और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिस सेट 3 के साथ दोबारा आऊँगी वीडियो लेके. जब तक के लिए बाय.